आप सबका बॉम्बी ड्रीम्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो बेल बटन को भी दबाना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। आज है संडे, सुबह सुबह सब काम हो गया, एकदम सब काम हो गया, नहा के पूजा करके एकदम बैठी हूँ। तो खाना बनाना है दोपहर का और आज का ब्लॉग मैं अभी से ना सुबह ना शाम एकदम सुबह भी नहीं है, एकदम आफ्टरनून भी नहीं है, शाम भी नहीं है। तो एक बार फिर से मेरे चैनल पॉम्पीज ड्रीम्स में आपका सबका स्वागत है ना। चलो, सबका चैलेंज, हम लोगों का, हम सब दोस्तों का चैलेंज है मेरा। तो चलो देखो मेरे साथ। सुबह नाश्ता हो गया एकदम, तो ये सब थोड़ा सा साफ करके खाना बनाऊंगी। और आज ब्रेड खाए थे तो ब्रेड के पैकेट भी इधर है, खाली फेंकना पड़ेगा। थोड़ा सा गैस साफ करके खाना चढ़ा दूंगी। गैस नहीं साफ करो तो थोड़ा सा कैसा लगता है ना, थोड़ा सा साफ करना पड़ता है। और इधर राइस चढ़ा दिया और इसमें हो रहा है भेज दाल। सर्दी के टाइम में भेज दाल बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ कुछ भी चलेगा, बेगुनी, पापड़ फ्राई, तो एकदम मज़ा आ जाता है। तो इसमें तो है भेज दाल और इसमें मेरा राइस चढ़ा दिया, अभी दूसरा मिल जाएंगे। और कल से कपड़ा इधर है, अभी इसको उठा के दूसरा कपड़ा डालेंगे। और ये देखिए, कपड़ा उठा भी लिया, डाल भी दिया, इसमें अभी मेरा सूख जाएगा। और आज ज़्यादा कपड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही कपड़ा है। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी इधर पड़ा है जिसको मुझे अभी फोल्ड करना है। ये तो किचन का टॉवल लेके जाओ, किचन का कल तीन ही टॉवल धो दिया, बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा, किचन का टॉवल ज़्यादा होता है धोने में। आज भी धोया, कल भी। और अभी किचन आ गई, दाल चावल बन गया। इधर चावल का भी पानी निकल लिया मैं, और इधर दाल। आज प्योर भेज है बोल के कुछ नहीं दिखाई, नॉर्मल खाना एकदम सादा। बोला ना आज एक सोष्ठी है हमारा, तो ऐसे ही नॉर्मली। अभी गैस है, इसमें थोड़ा से थोड़ी देर बाद खोलूँगी। इधर मैं बेसन फेंट रही हूँ, अच्छे से फेंटना है इसको। बिल्कुल पानी ही डाला, अभी कुछ नहीं डाला, सिर्फ पानी और बेसन। और इधर मेरा बन गया आलू चोखा, और इसमें है भेज दाल और इसमें राइस। अभी मैं बनाऊंगी बेगुनी। ये आलू मैं कट कर लिया और इसमें बेसन है, और आलू में थोड़ा सा नमक और क्या डाली, रेड चिली पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा फीका लगता है जब बेसन के अंदर रहता है ना, तो खाओ तो थोड़ा सा फीका लगता है। और थोड़ा सा नमक और मिर्ची डालोगे तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और सोचा था बैंगन का बनाऊं, लेकिन एक ही बैंगन था और वो ना पूरा कीड़ा, तो अच्छा नहीं लगेगा बोल के मैं सिर्फ आलू का बना रही हूँ। और इधर भी थोड़ा सा नमक दिया और मिर्ची। नमक दे के मैं नहीं फेंटती हूँ, पहले फेंट लेती हूँ फिर नमक डालती हूँ। फिर ये कैसे डालो, ये मेरा बेटी का फेवरेट। और एकदम तैयार, पूरा अच्छे से बन गया, अभी मैं उठा देंगे। हाय फ्रेंड्स, एकदम डायरेक्ट मैं सुबह से, मतलब दोपहर के बाद, और आप लोगों के साथ बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि कल मेरा रात को बिल्कुल नींद नहीं हुआ। तो फिर सुबह दोपहर में कोशिश किया तो थोड़ा सा सोएंगे, नींद तो आया ही नहीं और पूरा सिर भारी, तो मैं नहीं कर पाई कंटिन्यू। और अभी फिर मैं 8 बज रहा है अभी शाम से, फिर दोबारा शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग को, कंटिन्यू कर रही हूँ। और आपको सुबह एक छोटा सा बात बोली थी ना, सोष्ठी है,
तो षोष्ठी मीन्स एक देवी का पूजा होता है, माँ षोष्ठी एक देवी है, तो उसको बच्चों के कारण हम वो षोष्ठी पूजा करते हैं। साल में काफ़ी षोष्ठी आता है, जैसे इस टाइम है आपका मूला षोष्ठी, जैसे आज है तो इसमें मूली खाना पड़ता है, नेक्स्ट जब आएगा उसमें है शीतोला षोष्ठी, जैसे ठंडा खाना पड़ता है, तो ये सब हर मतलब एक साल में काफ़ी है, 12 या 11 ऐसा कुछ है, तो हमारा लगभग सब है तो हम मनाते हैं। तो आज और वो सिर्फ बच्चों के लिए ही करते हैं हम, बच्चे इसमें मतलब हम मानते हैं, माँ को हमेशा हाथ जोड़ करके उसको बोलते हैं जी हमारा बच्चे हर जगह पे जहाँ भी रहे भगवान उसको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, लंबी उम्र दे, तो इसके कारण ये षोष्ठी माँ लोग करते हैं, जैसे मेरा मम्मी भी करेंगे, सास करेंगे, बाकी सब मिलके ये मम्मी लोग ये पूजा बच्चों के लिए हमेशा ही करते रहते हैं। तो अभी मैं मूली का पराठा बनाऊंगी, सुबह तो खाई मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसको फर्स्ट खा के फिर खाना खाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैं खाई थी, अभी मैं मूली को घिस के पराठा बनाऊंगी, वो तो आपको दिखाऊंगी, और इसी के कारण हम ये पूजा करते हैं। और आज तो बिल्कुल प्योर भेज है, प्याज लहसुन भी नहीं है, तो मैं एक आलू का इधर तरी वाला सब्जी बना रही हूँ, इसमें हींग डाली हूँ कालूंजी, पहले मैं दिखाई हूँ, पिछली वीडियो में आप जाओगे तो देखने को मिलेगा, नॉर्मल एक आलू का सब्जी बना रही हूँ, और इसके साथ मैं मूली का पराठा तो बोली आप लोगों को बनाएंगे, पहले मैं ये सब्जी बना लूँ। डाल दिया पानी, अभी ढक्कन लगा के बॉईल करने रख देंगे, और इधर रख दिया मैं मूली, अभी मूली को थोड़ा सा छील के कद्दूकस कर लूं। और मैं कढ़ाई चढ़ा दिया, और इसमें है अजवाइन, जो अजवाइन डालूंगी क्योंकि मूली का पराठा में अजवाइन पक्का डालना हजम के लिए बहुत अच्छा होता है, हजम हो जाता है। और इसमें मैं अदरक और हरी मिर्च थोड़ा सा कूट लिया इसमें, और मूली को तो अच्छे से कद्दूकस करने के बाद हाथ से ऐसे करके निचोड़ के थोड़ा पानी फेंक दी मैं। अभी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मैं पूड डाल के बनाऊंगी बोल के मैं ऐसे बना रही हूँ, फर्स्ट मैं अजवाइन डालूंगी, इसके थोड़ा सा अजवाइन फ्राई होगा, फिर मैं डालूंगी हरी मिर्च और अदरक को जो कूट के रखी थी, थोड़ा सा फ्राई होगा, फिर मूली को भी मैं डाल दूंगी, मूली को अच्छे से फ्राई करना है, बहुत पानी होता है मूली में तो थोड़ा सा सूख जाएगा तो अच्छा। मूली मेरा अच्छे से फ्राई हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगता, हल्के में ही हो जाता है। और इधर मूली को ठंडा करने के लिए तो रख दिया, ठंडा हो गया, और ऐसे होगा, मैं हल्दी नहीं डाला, और इसमें मैं आटा भी गूंद लिया, अभी मैं पूर डाल के बनाऊंगी। और ये देखिए हमारा डिनर रेडी, मूली का पराठा, आलू का सब्जी, और बेटी ने लिया थोड़ा सा अचार, मुझे अचार पसंद नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिया, तो अभी हम डिनर करेंगे। देखिए अंदर कितना अच्छे से गया एकदम पूरा, मुझे रहा नहीं गया, आप लोगों को दिखाने का मन हुआ, देखो बहुत अच्छा से पूरा एकदम अंदर चीज के तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है मैं चीज डाली, लेकिन मैं चीज तो नहीं डाली, आप लोगों को दिखाई, बहुत टेस्टी। आज भी ना तू आज भी ना हमारा कोता की हो आज के कह जाने आज भी ना सुनती आज मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं भूल भाल बक रही हूँ, उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या, मतलब बात इतना स्लीप हो रहा है ना, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मुझे आज खाना पीना हो गया,
पूरा खाना कंप्लीट, किचन साफ, और मूली का पराठा ना एक नंबर बना था सच में। एकदम मैं खुद बना के खुद ही एकदम खुश हो गई। नहीं सच में निकाला नहीं, और इतना अच्छा से पूरा फैल गया ना पराठा के अंदर, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो आप लोग घर में जरूर ट्राई करना, ठीक है? तो अच्छे से रहना और हंसते रहना। आज के ब्लॉग में यही एंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। और एक बात, क्या सब्सक्राइब, पक्का सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट।